ये मेरे पास एक मालफीजिया गलबरा का प्लांट है, इसके ऊपर मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर जिसको देखना हो वो देख सकता है। तो वो वाले वीडियो में हमने इस प्लांट को स्टाइल किया था। तो अभी इसको मैंने 4-5 महीने ऐसे फ्री ग्रो करने दिया था, तो आप देख सकते हो उसका काफ़ी ग्रोथ हो गया। तो जो इसका जो मेन डिज़ाइन था वो ये वाला फ्रंट था, यहाँ से इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था उस पर रिस्टोर करेंगे, और जो इसकी ब्रांचेस वगैरह नई आई हैं उनको वायरिंग भी शायद मैं करूँगा, ताकि इसका जो आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है फोलियज, है ना, मतलब पहले नहीं थी, अभी हो गई है, तो इसको हम और अच्छे से वायरिंग वगैरह बनाएंगे जैसे जैसे पेड़ की एज बढ़ेगी और नई नई फोलियज देगा। तो सबसे पहले मैं ये वाली जो है ब्रांच, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने जान के ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था, मैंने सोचा था कि इसकी नई कटिंग बना के इसका नया प्लांट ग्रो कर देंगे। तो मालफीजिया में से ऐसे बहुत सारे रूट सकर निकलते हैं, तो अगर आपको कटिंग वगैरह चाहिए तो आप उनको अलाउ कर सकते हो ग्रो करने के लिए, है ना। ये बहुत ही अच्छा सुंदर प्लांट होता है, इसके ऊपर बेरी भी लगती है, वो बेरी जो होती है एडिबल होती है, आप उसको खा सकते हो, और फ्लावरिंग भी करता है पिंक कलर की, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। अभी है इसके ऊपर कुछ फ्लावर, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे है कुछ। मेरे पास कुछ और प्लांट है उनके ऊपर बेरी भी लगी है, तो शायद मैं आपको दिखाऊंगा। और अब देखते हैं जो हमें फालतू की ब्रांचेस है वो भी निकालेंगे। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड में जो ये एरिया है ब्रांचेस है 1, 2, 3, 4, हाँ, तो इतनी ब्रांचेस हमें नहीं चाहिए, तो इनमें से जो मुझे ज़रूरत है साइड ब्रांच के लिए यहाँ पे उसको मैं रख लूँगा, बाकी हटा देंगे। तो इसको मैं हटा दूँगा, इसको भी हटा देंगे। ये भी, तो ये वाली हम ब्रांच तो है, इसको हम हटा देंगे। अब इसमें इसको थोड़ा सा शायद मैं वायर करूँगा बाद में, देखते हैं। यहाँ से कुछ निकल रहे हैं इसके, ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं हटा दूँगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके पीछे पीछे वाले हिस्से में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे ब्रांचेस है जो हमें नहीं चाहिए। ये वाली ब्रांच काफ़ी मोटी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइड में ब्रांच रखी है, और यहाँ पे ब्रांच इसके लाइन में ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे पेड़ ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम सब ब्रांचेस को हटा देंगे सारे जो भी है यहाँ पे। और इन सब की कटिंग ग्रो हो जाएगी बहुत अच्छे से, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं इससे। ये मैंने पूरा ही हटा दिया वहाँ से, तो इसमें से भी हमें एक ही चाहिए। तो ये वाली रख ली मैंने, ये भी नहीं चाहिए, अब ये वाला हिस्सा आ गया दोस्तों फ्रंट वाला, तो इसमें जो भी फालतू की है वो भी हटा दूंगा मैं, स्पेशली जो कर्व के अंदर ब्रांचेस होती है ना, जैसे ये कर्व है, ये वाला हिस्सा है अगर आपको दिख रहा होगा, तो जो अंदर की तरफ होती है कर्व के, वो जनरली उनको कोई कोई केसेस में नहीं हटाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हटा देते हैं। जो कर्व के ऊपर वाले हिस्से में रहती हैं उसको रखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे कर्व है, और ये वाला जो है ये कर्व के ऊपर है, तो यहाँ पे ब्रांच रख ली हमने। ये भी अच्छी है, तो हम एनकरेज करेंगे ये वाली ब्रांच को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ऊपर।
ब्रांचेस मुझे थोड़ी मोटी करनी है, जैसे ये कुछ ब्रांचेस हैं बहुत पतली हैं, तो इनको मैं काटूंगा नहीं ज़्यादा, इनको ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। ये वाली जैसे अब हमें इसको बाद में डिज़ाइन में रखना है, मेन में ये वाली हो गई, ये वाली इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम इनक्रेज करेंगे बड़ा करने के लिए और ऊपर की तरफ। ये वाला जो हिस्सा है ये बाद में थोड़ा साइड वाला ब्रांच बन जाएगा यहाँ से, और इसको हम मेन कैनपी बना देंगे यहाँ से, है ना। कुछ एरिया यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे सब पूरा पेड़ बन जाएगा, ये अगर आप इमेजिन कर सकते हो इसको। तो जैसे ये है, ये वाला ग्रो करेंगे इसको पूरा यहाँ से बन जाएगा, ये पीछे की तरफ चला जाएगा, और या तो इसको ग्रो कर लेंगे हम टॉप, ये बना लेंगे, या ये बन जाएगा टॉप। तो ये मैं बाद में देखूंगा कौन सा रखना है इनमें से। वैसे ज़्यादा चांसेस हैं ये वाला टॉप बनाने के, ज़्यादा चांसेस हैं। इसको हम जो है इसका कैनपी बनाएंगे और इसको बैक ब्रांच बना सकते हैं। इसको यहाँ पे कुछ रख लेंगे और बाकी ये सब ब्रांचेस यहाँ पे, ये साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा पेड़ बन जाएगा। और अगर खाली इसको लिटरेटी स्टाइल बनाना हो तो ये ऑलरेडी अच्छा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन ही रहा है, ये सब ब्रांचेस हटा सकते हैं। अगर लिटरेटी बनाना है मुझे, इसको थोड़ा और ऊपर उठा सकता हूँ मैं, तो ये खाली लिटरेटी स्टाइल में बन जाएगा। बट पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो ये थोड़ा भरा भरा सा अच्छा लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा मतलब कैनबी टाइप की बनाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसका ख़त्म। अभी मेरे पास कुछ और पेड़ हैं, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे आज। तो ये मेरे पास एक अगला प्लांट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये मेरे पास जैस्मीन का प्लांट है, जैस्मीन जो होता है, बट ये जैस्मीन में एक मिनीचर टाइप का आता है, तो इसके पत्ते छोटे हैं। ये वाटर जैस्मीन नहीं है, एक वाटर जैस्मीन भी होता है इस टाइप का, उसका भी बहुत अच्छा बोनसाई बनता है वो, बट सर्दियों में मेरे यहाँ पे हमारे जो क्लाइमेट है इसमें मर जाता है। तो ये मैंने ऐसे नर्सरी से परचेज़ किया था, तो मैं इसको ट्राई करूँगा। इसके पत्ते छोटे हैं, जैस्मीन का प्लांट है, तो इसको मैं आज ट्रिम करूँगा इस वीडियो में। तो ये इसका बेस है कुछ इस तरह से, तो इसका पहले इसका छोटा बोनसाई बनेगा जैसे शोहिन या मामी टाइप का। तो ये इसका बेस है, तो इसकी जो फालतू की ब्रांचेस है पहले वो हटाएंगे हम। इसका पहले फ्रंट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो फ्रंट ऑब्वियसली इस तरफ से अच्छा आ रहा है इसका पेड़ का, अगर आप बेस देखोगे यहाँ से अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसकी ये वाली ब्रांच हटाऊंगा, और ये वाली ब्रांच भी ज़्यादा ग्रो कर रही है साइड में, इनको इनक्रेज करेंगे, या इसको वायर भी किया जा सकता है यहाँ पे, हाँ बट मैं अभी फ़िलहाल इसको काट ही दूँगा यहाँ से। और अब हम जो ये वाली ब्रांचेस हैं इनको इनक्रेज करेंगे ग्रो करने के लिए, और एक ये ब्रांच है इसकी पीछे से, ये अगर आप देखोगे है ना, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है ये वाली ब्रांच, इसको भी अपन हटा देंगे। अब देखो अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा। ये फर्स्ट ब्रांच है, इसको वायर करके सेकंड बना सकते हैं यहाँ से। ये वाली जो है काफ़ी लंबी है ये वाली ब्रांच, तो मैं इसको कट बैक भी कर सकता हूँ, या तो फिर इसको लीडर बना सकते हैं इस वाली को, तो इससे और अच्छा टेपर आएगा। तो चलो मैं इसको कट ही कर देता हूँ यार। काट दिया उसको मैंने, तो अब ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है इसको लीडर बना देंगे, तो इससे पेड़ की टेपरिंग अच्छी बन जाएगी, है ना। देखते हैं, आई होप इसके ऊपर यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से नई जो ग्रोथ आएगी उसको हम साइड में नई ब्रांच बना देंगे यहाँ से। इसे इसकी जर्नी शुरू है बोनसाई की नई, कुछ ऐसा दिखता है। ये हाइकस है लॉन्ग आइलैंड, तो अभी इसकी मैंने ये वाले सीजन में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया था। ये इसका बैक है, यहाँ से भी सुंदर दिखता है वैसे पेड़, बट इसका ना बेस अच्छा नहीं है पीछे से इतना, तो यहाँ पे ये स्पेस खाली है, तो इसलिए मैंने ये वाला एरिया फ्रंट नहीं बनाया इसका, ये वाला इसको फ्रंट रखा है। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एरियल रूट वगैरह आके ना, ये जो जैसे बेस थोड़ा सा अच्छा नहीं है इसका, यहाँ पे जैसे ब्रांच रूट्स वगैरह मिसिंग है, तो ये वाला हिस्सा भर देगा फ्यूचर में। बट वैसे पेड़ खूबसूरत है, मतलब
जैसे असली में पेड़ होता है उसका, बरगद का या फाइकस का, उस तरह का दिखता है। जो भी फालतू की ब्रांच होगी वो निकाल देंगे। हो गया है, सिंडाई पैक हो गया, इसका मैं जो नॉब है वो हटा दूंगा। सुंदर पेड़ है ये, मुझे बहुत पसंद है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे एक्चुअली मेरा फेवरेट जो साइज़ है पेड़ का, बोनसाई पेड़ का, वो यही है। आई थिंक इसको शोहिन बोलते हैं, है ना। तो इसका बहुत ही आसान है इनका केयर करना, और सॉयल वगैरह बहुत कम लगती है, तो इसकी अगर रिपोर्टिंग करनी हो बहुत ही आराम से हो जाती है। और अगर आप छत वगैरह पर करते हो जैसे मैंने पहले बताया, तब तो बहुत ही सही है ये पेड़। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।